नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और हमारी क्रिकेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप में आज के दिन हम लोग खेलने वाले मुंबई इंडियंस और ट्राइडेंट्स के बीच में एक मैच। फॉर्मेट सुपर वन इसका रहेगा। रैंकिंग की बात करें, दोनों टीमें टॉप फोर में से बाहर है। इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए मैच जितना इंपॉर्टेंट है। रैंक 16, रैंक 8 की टीम, हम लोग यहाँ पे बनने वाले मुंबई इंडियंस की टीम, और सामना करेंगे बारबाडोस ट्राइडेंट्स का। यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं, लेटेस्ट डाउनलोड करने की कोशिश की है, जितना हो सका किया है। वानखेड़े स्टेडियम में मैच है, और चलिए आज का गेम प्ले हम शुरू करते हैं। आप मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस आप सभी लोगों को। छुट्टी का दिन है, त्योहार है, बहुत ही बड़ा नया साल आने वाला है, और हम लोग यहाँ पर मुंबई वर्सेस बारबाडोस का मैच देखने वाले हैं। यहाँ पर सुपर वन एस में वानखेड़े स्टेडियम से कप्तान रोहित शर्मा और जेसन होल्डर यहाँ पर आएंगे टॉस के लिए आते हुए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस, पिछले दो मैच हम लोग यहाँ पे जीत गए। हम यही चाहेंगे मुंबई इंडियंस क्वालिफाई करे नेक्स्ट राउंड में, और देखना होगा टॉस कौन सी टीम जीतती है। यहाँ पर हाल फिलहाल मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है। हम लोग यहाँ पर पहले बैटिंग ही लेना चाहेंगे। रीजन ये है कि पहली इनिंग में जो भी इंसान लीड ले लेता है और फॉलो ऑन दे देता है, वो आगे रहता है इस मैच में। शुरुआत यहाँ पर क्वेंटन डिकॉक और एविन लुइस से की है, लेकिन मैं चाहता था कि रोहित शर्मा शुरुआत करें। यहाँ पर सिंगल लेंगे, फील्डिंग बहुत बढ़िया, क्विक गेंद पर आए हैं, थ्रो दिया है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। क्वेंटन डिकॉक स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं, सामने लुइस है। काश रोहित शर्मा का मैंने सिलेक्ट किया होता, ऐसे तो इनका भी कुछ खराब तो नहीं कहूंगा। स्ट्राइक रेट 100 के अंदर है, एवरेज 10 का है, वो थोड़ा सा खराब। लुइस यहाँ पे अपनी दूसरी गेंद लगातार लेग स्टंप पे अटैक हो रहा है, और एक चीज आपने नोटिस की होगी, बाउंसर्स गेंदें बहुत आ रही है। फील्डिंग थोड़ी अलर्ट है, ध्यान रखना होगा इस बात का। दो रन चुराया है, काफी वक्त लिया, फील्डर से काफी दूर थी, जब तक पहुंचे तब तक हमारा दो रन कंफर्म हो चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट था दूसरी तरफ से कौन सा गेंदबाज आ रहा है। जोस ने 9 गेंदे, 11 रन हो चुके, एक भी बाउंड्री नहीं लगी अभी तक। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया, दो रन का रिस्क कहूंगा मैं, क्योंकि फील्डिंग सेटअप पहले से ही बहुत बढ़िया रखा है यहाँ पे, लेकिन चुराए हमने दो रन। 18 रन पहली बार बीट होते हुए आज के दिन, गलत शॉट था, साफ साफ लग गया था। जिसने रोल दूसरी ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी अलग ढंग से खेला है, लेकिन दो रन हम लोग यहाँ चुराएंगे। तीन की कोशिश होने वाली, बाउंड्री गई है, काफी वक्त लिया गेंद ने, तो शॉट कितना बेहतरीन यहाँ पे डिकॉक के बल्ले से। पहले ओवर की आखिरी गेंद और गलत शॉट यहाँ पे कहेंगे हम लोग। तीन गेंदे, 4 रन, अंदर की तरफ आई थी गेंद, रन आउट का मौका है, लेकिन काफी वक्त लिया और हमने रनिंग भी काफी तेज रखी। 3 टीम का स्कोर, शॉट बहुत बेहतर खेला है, लेकिन क्राउड की आवाज से लग नहीं रहा है कि बाउंड्री जाएगी। दो रन हमने बचाए, यहाँ पे चुराए भी हैं और दो रन हम अपोनेंट ने बचाए भी हैं। पहली इनिंग चल रही है, अभी तक सिर्फ एक ही बाउंड्री लगी है पूरे मैच में, और यहाँ पे बाय का इशारा होगा, कोई शक नहीं है इसमें। जी अलग, इस बार थोड़ा सा अलग ढंग से खेलना चाहिए गेंद को, थोड़ी लेट रनिंग की, आउट ना हो जाए। अरे क्यों रन दौड़ाया मैंने, क्यों रन दौड़ाया, थोड़ी जल्दबाजी थी रनों की, मैं अग्रेसिव खेलने के लिए तैयार हुआ तो उससे पहले ही रन आउट। एक ही बाउंड्री लगी थी पूरे मैच में, 40 रन बनाए हमने, लेकिन जिस तरह से आउट हुए वो काफी खराब रहा है यहाँ पर। एविन लुइस ने यहाँ पर 14 गेंदों में 18 रन आउट का कॉल डिकॉक का था, 16 में 20 बना, 41 करेंगे तब लीड चालू होगी यहाँ पर। एलेक्स हेल्स, जे चार्ल्स यहाँ पर आएंगे शुरुआत करने के लिए, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करेंगे, विकेट लेना होगा, 20 रन के आसपास ले लेते हैं तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं। बाउंसर के साथ शुरुआत करेंगे, लीव किया है, बड़े बॉलर है बुमराह, लेकिन परफॉर्मेंस भी वैसा देना होगा। लगातार स्लोअर गेंद कर रहे हैं, यहाँ पर बीट कराया है, बाउंसर स्लोअर बाउंसर थे यहाँ पर, फुल लेंथ यॉर्कर के लिए जा रहे हैं गेंद, लेकिन गलत लाइन, गलत लेंथ पे रही है गेंद, सिंगल निकाला है, दो रन निकाल लिए हैं, ये बेइज्जती कहलाएगी मुंबई इंडियंस के फील्डर्स की। एलेक्स हेल्स यहाँ पर शुरुआत करते हुए रनों की, दो रन बनाए, दूसरी तरफ से राहुल चहर को गेंदबाजी कराई, मेरा रूल रहा है एक तरफ से स्पिनर और दूसरी तरफ से थोड़ा स्लिप इन में भी तैनात है। पहली गेंद लीव करते हुए, गेंद भी लीव करे यहाँ पर, लगातार गेंद लीव करे, अपील तो करना हक बनता है यार, आउट है नहीं पर अपील करना बनता है यहाँ पर दबाव बनाने के लिए। एक स्लोवर ऑफ कटर कर रहे हैं यहाँ पे, लेग स्टंप पे रही थी, बैक फुट पे खेला शॉट, अब गेंद यहाँ पर जा तो रही है, लेकिन पहले ही है कि स्टेडियम बहुत बड़ा है, ग्राउंड बहुत बड़ा है,
और बाउंड्रियां इतनी आसानी से नहीं लगेगी। रोहित शर्मा कुछ अलग गेंदबाजी में परिवर्तन, लसित मलिंगा को गेंदबाजी में बुलाया गया है। कंपेयर करें अगर दोनों को दो रेटिंग का फर्क है सिर्फ, लेकिन पहली गेंद है जी लक के प्लेयर को काफी नजदीक, वन बाउंस पकड़ा है प्लेयर ने, काफी खुश दिख रहे मैकलिंगन यहाँ पर। और बाउंसर की कोशिश होने वाली मलिंगा की तरफ से, लेकिन इस बार हुक शॉट खेला है। अब एक फायदा है कि ग्राउंड बड़ा है, लेकिन यहाँ पर शॉट बेहतर है। प्लेयर रोकने की कोशिश करना चाह के भी नहीं रोक पाएगा, वार्निंग मिली बाउंस। नया बल्लेबाज है और पहली गेंद इतने नजदीक से गई है। यहाँ पर शॉर्ट पिच रखी है, गेंद खेला है शॉर्ट ऑफ स्टंप पे बाहर से सिंगल के लिए। पिछली बार मलिंगा के बाउंसर ने थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई थी, यहां पर भी किनारा लग सकता था। अपील की है चेक, इस बार दूसरी गेंद ही यॉर्कर डाल दी है और एज लपसा हुआ फिर से एक बार। पिछली बार भी एज लगे थे पहली गेंद पर, यहां पर दूसरी गेंद में लगा एज और विकेट चाहिए हमें। 20 कर लेगी तो फिर बराबरी पे आ जाएगी, फॉलो से बचने के लिए कह रहा हूं मैं। 21 कर लेगी अगर तो फिर फॉलो के चांस खत्म। थक हार के यहाँ पे एक नॉर्मल गेंद की है और बड़ा शॉट खेला है, गैप पे गया कि चौके के साथ लीड खत्म होगी। जी हाँ, लीड खत्म हो चुकी है, अब फॉलो ऑन नहीं मिलेगा, फॉलो ऑन नहीं मिलेगा। बाउंड्री लगी है यहाँ पे, अब दबाव में आएगी मुंबई इंडियंस। 40 रन किए थे, यहाँ पर 23 पे पहुंच गए। 8.5 ओवर बीट कराया, लेकिन विकेट हमें चाहिए। फिर से एक बार कोशिश की है अलग कुछ करने की, लेकिन इस बार ओपन फील्ड दिख गई है और चार्ल्स के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन आखिरी गेंद पर ओवर के। एक बार फिर यहां पे लेग ब्रेक की कोशिश और यहां पर अपील की गई है, नॉट आउट दिया है। यहां पर हर बार की तरह बाउंसर के साथ शुरुआत, हुक शॉट के लिए तैयार थे बल्लेबाज। अब बाउंड्री जा रही है, गेंद रोकना होगा लेकिन नहीं रोक पाए चौके। इस बार शॉट पिच आउटपुट आउटसाइड जाती गेंद, लेकिन फिर से वही, इस बार इनसाइड एड लग के गई है ग्लोव। रोहित शर्मा काफी दुखी, उन्हें पता है कि मैं आखिरी गेंद 11वें ओवर की बल्ले पे नहीं लगी है। राहुल चेहर भी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन यही चल रहा है कि क्या तेज गेंदबाज को बुलाना चाहिए। और देखिए ये हो जा रहा है, बीट हो गए यहाँ पे। सेम गेंद तेज स्पीड से डाली है, अपील बनेगी यहाँ पर लेकिन आउट नहीं है, मिसमैच तो मिसिंग है मेरे ख्याल से। अपार ने नॉट आउट दे दिया है, एक क्लोज कॉल आया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे दूसरी गेंद पे भी बीट होते हुए स्कोर लेवल हो चुका है। अब एक एक रन यहाँ पे हमारे लिए नुकसान करेगा। अपील हुई है यहाँ पर राहुल चेहर के ओवर में, लेकिन नॉट आउट कंटिन्यू रहेगी इनिंग अभी। इस बार देखना होगा क्या होता है इस गेंद पे। शॉट पिच रखी है गेंद और बड़ा शॉट खेल दिया है, टाइमिंग ठीक ठाक ही है, बाउंड्री तक पहुंच जाएगी, वो जरूरी था। स्कोर लेवल था +4 हो चुका है यहाँ पर। आखिरी गेंद यहाँ पर स्लाइडर के साथ करना चाहेंगे, लीव किया है यहाँ पर, तेज शॉट पिच गेंद की कोशिश यहाँ पर और कैच का कॉल जरूर है, लेकिन प्लेयर से काफी दूर है और जिस तरह से हिट किया है चौका जाने के चांसेस यहाँ पर हैं, पूरे हैं और चौका गया भी है यहाँ पर। एलेक्सेल्स यहाँ पर बाउंड्री लगाते हुए, पांचवी गेंद, बाउंड्री खाई थी इससे पहले, यहाँ पर अगर हिट विकेट हो जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं, बीट। ड्रिंक्स का वक्त हो चला है, कोशिश तो बहुत की आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने, फील्डर्स ने, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। मौके बन रहे थे, कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। अभी भी ये खेल बाकी है, लीड चढ़ना चालू हो गई है। स्टैंडर्ड डिलीवरी एफर्ट रखा है गेंद में और कितना नजदीक जाएगा ये स्टंप के, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुंबक लगा दिया दूसरे डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से अलग ही है। बार फिर बाउंसर के साथ शुरुआत, एज लगा है। सवाल और प्रॉब्लम यही है कि जब आप बाउंसर डालोगे तो एज भी ऊंची लगेगी। 50 की पार्टनरशिप पूरी होती हुई यहाँ पे, हेल्स और चार्ल्स की अगली गेंद यॉर्कर की मदद ली है, अपील फिर से होगी, लेकिन फिर से वही है, विकेट मिसिंग है यहाँ पर। क्या करें हम लोग, सारी गेंदें हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टंप के अंदर नहीं रह रही, स्टंप को टच करते हुए नहीं रह रही। मैं लेग बिफोर बाउंसर में पड़ गई थी, इस बार शॉर्ट पिच रखी है गेंद, बॉडी पे जाके लगी है, दर्द में होते रियल प्लेयर होते तो भाई एम्बुलेंस आती। स्लाइडर यहाँ पे आएगा, पहली गेंद राहुल चेहर की, फ्लिक शॉट प्लेयर के बीच में से जा रही है और पहले से बेहतर शॉट है, 4 रन आसानी से जाएगा।
मेरे ख्याल से सबसे तेज बाउंड्री रही, अभी अंत में थोड़ा धीरे हो गया लेकिन बाउंड्री टच कर गया। हालात ये कि आपको सारी गेंदें बल्लेबाज को खिलानी पड़ेगी वरना वो नहीं खेलेगा। एक और क्लोज कॉल। मलिंगा यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत, बड़ा शॉट चाहेगा चार रन। इतने बड़े स्टेडियम में बाउंड्री मारना आसान नहीं है, पहले ही बता दूं। स्विंग गेंद गुड लेंथ पर से जाएगी और फिर से वही बीट, लेकिन बाहर है सब कुछ स्टंप से। लेग बिफोर विकेट का भी मतलब नहीं है यहाँ तरीके से जैसे देखा जाए तो ये आखिरी ओवर होगा इस इनिंग का कम से कम, और रन बटोरने होंगे इनको अगर रन चाहते हैं कि शुरुआत अच्छी करें, क्योंकि ऑटो प्ले में आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे दो रन बनाए हैं, 20 ओवर के बाद हम लोग ऑटो प्ले कर देते हैं, ये हमारा रूल है। और आखिरी गेंद हमारी पहली इनिंग की यहाँ पर ऑटो प्ले आने से पहले की डॉट के साथ पूरा हुआ है। 20 ओवर के बाद ऑटो प्ले आता है हमारा, अब आएगा। सिमुलेशन हो चुका है यहाँ पर, 91 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर और 40 हमने बनाए थे, मतलब कि 51 की लीड है जो कि बहुत बड़ी लीड कहलाएगी। लसित मलिंगा ने ही विकेट लिया है, 50 नहीं करने दिए चार्ल्स को और एलेक्स हेल्स नॉट आउट रहे हैं 42 पे। क्वेंटन डीकॉक बड़े दबाव के साथ 32 का एवरेज है, जरूरत है इसी तरह की इनिंग की। साम फॉलो ऑन का सपना देखा था, अभी के लिए हाल फिलहाल हालात ये है कि आपको सबसे पहले अपनी लीड खत्म करनी होगी। पहला रन यहाँ पे बनता हुआ, होल्डर गेंदबाजी में स्ट्रेट शॉट, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन पहुंच गए हैं। अपील हुई है लेकिन क्यों थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन दिया, ऐसा लग तो नहीं रहा है आउट है सर। लग अरे बैट हवा में लग रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ नहीं नहीं, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं अरे ऐसा कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, तो देख लिया एम्पायर ने नॉट आउट रहे, सही है यार नॉट आउट ही लग रहा था। चौथी गेंद यहाँ पर एक बार फिर से वहीं गई है लेकिन हमारी टाइमिंग कुछ खास नहीं है तो आसानी से रन पूरा करेंगे हम। फील्डिंग चेंज करके अरे नहीं अर्ली शॉट, यही प्रॉब्लम होता है जब आपको पहली इनिंग में लीड नहीं मिलती, क्या आप सामने वाली टीम पे लीड नहीं रख पाते। मुंबई इंडियंस के हिस्से में हार आई है, कल के दो मैच हमने जीते थे परसों और कल का मैच, लेकिन आज के दिन फिर हार का यहाँ पर शुरुआत हुआ है और हर बार की तरह पहली इनिंग सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ। बारबाडोस ट्राइडेंट्स एक इनिंग 46 रनों की जीत यहाँ पर, मुंबई के लिए टूर्नामेंट मुश्किल होने वाला है। स्कोर आपके सामने है, जॉनसन चार्ल्स बने मैन ऑफ द मैच 49 रन और एक बार फिर हमारे मैच में एक इनिंग की बदौलत एक टीम जीती है। जॉनसन चार्ल्स बने मैन ऑफ द मैच जैसा मैंने कहा और जेसन होल्डर के नाम रहा है विकेट। देख रहे हैं इस समय हम लोग रैंकिंग टेबल और ट्राइडेंट नंबर 2 पे आ गए, सुपर किंग को 3 पे भेज दिया, वॉर्सशायर 4 पे चली गई है, मेलबर्न बना हुआ है नंबर 1 पे और मुंबई की हालत यहाँ पर ये है कि 14वें नंबर पे पहुंच गई। एसेक्स भी हारी है 2 मैच इसलिए वो नीचे है, सनराइजर्स भी एक ही मैच हारी है लेकिन रन रेट के हिसाब से वो पीछे है थोड़ा। और अगर हम देखें बैटिंग कार्ड यहाँ पर तो मार्कस स्टॉइनिस और बैन डंक दोनों मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर टॉप पे बने हुए हैं, उसके बाद एविल लुईस आता है लेकिन ये वेस्ट इंडीज के हैं। अहमद सज्जाद नंबर 4, केएल राहुल नंबर 5 पे हैं, एलेक्स हेल्स की वापसी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी वाले एलेक्स हेल्स हैं ये। उधर अगर नजर करते हैं बॉलिंग की स्टेट्स पे, भुवनेश्वर कुमार अभी भी टॉप पे बने हुए 3 मैच के बाद, जेसन होल्डर नंबर 2, नाथन गुल्टन 3, टॉम फेल 4, मोहम्मद हसनैन नंबर 5 पे हैं। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का और कल के मैच के बारे में बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद यहां शुरुआत करेगी अपने दूसरे मैच की कल के दिन अमेजॉन वॉरियर्स, गुआना अमेजॉन वॉरियर्स के साथ। एक बार फिर यहां पे आईपीएल वर्सेस सीपीएल होने वाला है और जीत की जरूरत यहां पर हैदराबाद को होगी वरना नंबर 16 पे ही रहेगी वो। अब उम्मीद यही है कि हम लोग फिर से अपनी जीत की लय पकड़े, 2 मैच जीते हैं कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम चाहेंगे एक लंबी जीत की कड़ी लगाए। जो भी है अब कल से शुरुआत करेंगे, अभी के लिए तो लेना होगा आप लोगों से विदा और जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।